हेलो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग पढ़ चुके थे बिजनेस के बारे में, बिजनेस के इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क। वी ऑल नो दैट कि वेन एवर वी आर स्टार्टेड बिजनेस तो वी आर फेसिंग द रिस्क ऑल्सो। बिना जोखिम के व्यवसाय होना संभव नहीं है, तो बिजनेस रिस्क का मतलब होता है व्यवसाय में जोखिम। तो आप सभी को मालूम है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो मेन मोटो इज़ द अर्निंग प्रॉफिट, है ना। आप जब बिजनेस करते हैं तो आप हमेशा सोचते हो कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है। कभी कभी हमें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। कई तरह के ऐसे कुछ घटनाएं घट जाती है जो हम पहले से सोचे नहीं हैं, हो जाती है, जिसके कारण हमारा बिजनेस लॉस में आ जाता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपका जैसे एक्सीडेंट हो जाना या फिर कुछ दुर्घटनाएं घट जाना, तो इससे भी आपकी जोखिम हो जाती है। मीन्स आप अगर कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज थिंक दैट यू हैव टू फेस द रिस्क। आप बिना जोखिम उठाए बिजनेस की इमेजिनेशन भी आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन हमेशा जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने दोनों पहलुओं को लेकर चलता है, प्रॉफिट तो अगला पहलू जो है वो लॉस भी होता है। अब देखिए, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस के रिस्क के क्या कारण हैं, क्या कॉजेस हो सकते हैं, किस कारण से हमारे जोखिम का बिजनेस को या बिजनेसमैन को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। पहला है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर मतलब प्राकृतिक कारण से हमारे बिजनेस में लॉस हो सकते हैं। कभी मान लीजिए फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, यानी बाढ़ आने पर, सूखा पड़ने पर, कुछ भी ऐसी घटनाएँ घटने पर हमारे जो है जिस पर हमारी कंट्रोल नहीं होती है, ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वो हमारा नेचुरल फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड है कंपटीशन। आज अगर आप मार्केट में हैं तो कल के और भी आपके अगेंस्ट तीन चार और भी लोग जो हैं वो अगर बिजनेस में खड़े हो जाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। तो कंपटीशन में भी आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि अगर अगला व्यक्ति खड़ा हुआ है बिजनेस में तो आपको भी उनके प्राइस लेवल के साथ पूरे कट टू कट कॉम्पिटिशन, आपको प्रतियोगिता करनी पड़ती है। थर्ड है मिसमैनेजमेंट। आप कभी भी कोई काम करते हैं, आप सबको ही जानते हैं कि अगर मैनेजमेंट यानी हमारा प्रबंधन अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो भी हमारे बिजनेस में हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। अगर मैनेजमेंट मिस हो जाता है, यानी यू आर फेसिंग मिसमैनेजमेंट, देन यू आर गेटिंग लॉस। चेंज इन डिमांड। अचानक मान लीजिए आपकी मांग बदल गई, लोगों की जो डिमांड्स है वो अगर चेंज हो जाता है। सपोज करो आपने कोई ऐसा आप मान लीजिए कपड़े में आपने कॉटन के कपड़े आपने बनाए और अचानक मान लीजिए उसके जगह पे लोग कॉटन के बदले में सिंथेटिक या क्रेप, दूसरे कलर के, दूसरे टाइप्स के कपड़े के डिमांड करने लगे, तो आपने जो प्रोडक्शन किया हुआ है उसमें आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अगर अचानक डिमांड बदल जाती है, लोगों की मांग बदल जाती है, तो भी हमारे बिजनेस में बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। अगला, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप जब कोई बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है उस वक्त गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज थी, रूल्स रेगुलेशन थी, उसके तहत आप व्यापार शुरू कर दिए, लेकिन आगे चल करके आपको पता चला कि गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसी, देन यू फेसिंग द प्रॉब्लम, तब आपके साथ बिजनेस के साथ दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम कोई भी एक टेक्निक को लेकर के चल रहे थे और अगर अचानक मान लीजिए वो टेक्निक बदल जाती है या आउट ऑफ मार्केट हो जाती है तो आपको मॉडर्न टेक्निक के साथ चलना है। जैसे सपोज करो आज आप क्या कर रहे हो, आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मीन्स एवरीबडी हैव टू बट एवरीबडी परचेज द स्मार्टफोन। जिसके पास फ़ोन नहीं है वो इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, मतलब आज की नेसेसिटी क्या हो जा रही है, ये स्मार्टफोन हो जा रही है। यानी अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहे हैं तो आप पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम थिंग्स आपके बिजनेस के साथ भी हो जाती है कि अगर कोई टेक्निक बदल जाता है, कोई टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कोई मशीन बदल जाती है प्रोडक्शन से रिलेटेड, देन यू हैव टू चेंज दैट मशीन। अगला लास्ट पॉइंट है ह्यूमन कॉजेस। इंसान के द्वारा होने वाला कारण। इंसान के साथ क्या हो जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर होते हैं वो अगर किसी काम को नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, या फिर मान लीजिए अचानक आपके बिजनेस में ह्यूमन लोग जो है, कर्मचारी जो है, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो स्ट्राइक कर दिए, लॉकआउट कर दिए, तो फिर
आपके कंपनी को नुकसान है। तो ये ह्यूमन के द्वारा ही सोची समझी और ह्यूमंस के द्वारा ही स्टार्ट किया गया प्रॉब्लम है। ये स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, ये सारे जो हैं आपके मेंबर्स या लेबर का ही काम होता है। तो देयर इज़ द 7 कॉजेज फॉर द बिजनेस रिस्क। ओके, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, दिस इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट इज द प्योर रिस्क। प्योर का मतलब ही होता है कि इसमें आपके जो भी रिस्क है उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है रिकवर होने का पूरा लॉस होना है। जैसे कोई चोरी करके चला गया कोई सामान, अब कहाँ तक आप चोर को पकड़ोगे या फिर आपका सामान जो है वो आपको वापस मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट है टाइप्स, प्योर रिस्क। ओके, सेकंड इज द स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब आपके साथ कभी भी फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं सट्टा लगा दिया, अभी मैच चल रहा है तो मैच के समय आपने मान लीजिए IPL में आपने सट्टा लगा लिया, तो इसमें क्या हुआ, अगर वो टीम जीत गई तो आपके लिए फ़ायदा है, अगर हार गई तो आपके लिए नुकसान है। तो ये आपका स्पेकुलेटिव रिस्क है कि मतलब यहाँ पर आपके लॉस और गेन दोनों के ही चांसेस बने रह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बिजनेसमैन अगर अपना रिस्क लेता है तो रिस्क लेकर के वो जीत भी सकता है और हार भी सकता है, ठीक है ना। थर्ड इज़ द इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क आपको इंश्योरेबल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इंश्योरेंस किया हुआ होना है। आपने अगर भविष्य के बारे में सोच करके इंश्योरेंस करके रखते हैं तो आपको कोई दुर्घटना घटने से पहले अगर घट जाती है तो उसकी जो भरपाई है इंश्योरेंस कंपनी से आप कर सकते हो, ठीक है। नॉन इंश्योरेबल रिस्क यहाँ पर पूरी तरीके से है कि आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। तो जब आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो जैसे मान लीजिए, और इंश्योरेंस करा नहीं सका क्या, इस तरह की चीज़ों में आप इंश्योरेंस करा भी नहीं सकते हैं। जैसे अचानक किसी का, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चेंज इन डिमांड, अगर मान लीजिए लोगों की डिमांड बदल जाएंगे, आप पहले से तो नहीं सोच सके ना, तो आपने इसका इंश्योरेंस नहीं कराया है। फ्लक्चुएटिंग ऑन प्राइस, अगर मान लीजिए आपकी कोई प्राइस में फ्लक्चुएटिंग हो गया, फैशन चेंज हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, तो डिमांड और सप्लाई का चेंज हो जाना, तो ये सारा नॉन इंश्योरेबल रिस्क है क्योंकि आप इन चीजों का इंश्योरेंस नहीं कराकर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क मतलब हो जाता है कि आपके बिजनेस के अंदर की घटनाएं, मशीन ख़राब हो जाना, अचानक आपका चल रहा है और मशीन में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि आप बिजनेस में कंटिन्यू, मतलब आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। डिसऑनेस्टी, मान लीजिए कोई कर्मचारी जो है वो आपका बेईमान निकला, आपके लिए वफादार नहीं निकला, आपके कुछ बिजनेस की गोपनीय बातें बाहर जा कर के बता दिया, तो ये सारी भी आपको सहन करना पड़ता है, आपको वहन करना पड़ता है। तो ये हमारा इंटरनल रिस्क हुआ, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्क, एक्सटर्नल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये बाहर, ये कंट्रोल के बाहर चला गया, बिजनेस के अंदर की ही बात नहीं थी। जैसे मार्केट की कंडीशन, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना, अभी भी थोड़ी देर पहले अपने टेक्निक के बारे में पढ़ा था, कुछ नया मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आया, तो यू हैव टू चेंज योर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग विद द ओल्ड प्रोसीजर, ओल्ड टेक्नोलॉजी, देन यू आर नॉट कम्पीट विद द बिजनेस। आप अगर पुराने तौर तरीके से चलते हो, पुराने टेक्नोलॉजी लेकर चलते हो, तो आज आप मार्केट में प्रॉपर स्टैंड नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। और पॉलिटिकल चेंजेस भी आपके हो सकते हैं, कई तरह के नेचुरल कैलमाइटीज भी हो सकते हैं, तो उसका भी इफेक्ट आपके बिजनेस को पड़ता है, ठीक है ना। और ये आपका एक्सटर्नल रिस्क हुआ। नेक्स्ट है फंडामेंटल रिस्क। फंडामेंटल रिस्क को अपन जनरल रिस्क भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रुप को पड़ता है, जो हमारे पॉपुलेशन से, जो हमारी जनसंख्या है, पूरे सारे ग्रुप को, यानी सामूहिक तौर पर हर किसी पर वो पड़ता है। जैसे मान लीजिए साइक्लोन आ जाना, तूफान आ जाना, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा गुजरात में आया था, वेस्ट बंगाल में आया था स्टॉर्म साइक्लोन, अभी चाइना में वार वगैरह हुआ था, तो ये जो युद्ध हो जाना, तूफान आ जाना, भूखा भूखमरी, बाढ़, ये सब जो है ये हमारा फंडामेंटल रिस्क के अंतर्गत आता है, जिस रिस्क को आप क्या करते हो, इंडिविजुअल, पूरी सोसाइटी, पूरा समाज इसको सफ़र करता है। नेक्स्ट इज़ अ पर्टिकुलर रिस्क। पर्टिकुलर रिस्क मतलब इंडिविजुअल, किसी खास लोगों को, खास ग्रुप को, खास व्यक्ति को ही
फेस करना पड़ता है। तो ये हमारा पर्टिकुलर रिस्क है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग जाना, तो किसी एक के फैक्ट्री में आग लग गया, ऐसा तो नहीं कि सारे देश दुनिया में जितने भी फैक्ट्रीज है सारे फैक्ट्रीज जो है वो बर्न हो गए। नो, एक कोई इंडिविजुअल फैक्ट्री में ही आपका आग लगा। या फिर किसी मैनेजर का मर्डर हो जाना, तो मर्डर सारे पूरे देश के मैनेजर का मर्डर नहीं हुआ, किसी एक पर्टिकुलर का हुआ। बैंक रॉबरी का हो जाना, तो हर बैंक का रॉबरी एक साथ नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर रिस्क, किसी एक के साथ ये घटना घट रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द स्टैटिस्टिक रिस्क। स्टैटिस्टिक रिस्क का मतलब हो जाता है कि ये जो है वो कुछ खास फैक्टर इकोनॉमिक चेंजेस के कारण हो सकते हैं। कोई मेरे ऐसे डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश होना या उसका खराब होना, बर्बाद होने के कारण, आपका पोजीशन चेंज होने के कारण भी आपका ये जो रिस्क है आपको सहन करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये पूरे टोटली ये रिस्क जो है वो प्रेडिक्टेबल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायनेमिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क मतलब होता है चेंज इन द इकोनॉमिक, आपके अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना। जैसे मान लीजिए प्राइस लेवल फ्लैक्चुएट होना, आपके प्राइस लेवल में चेंजेस हो जाना, इनकम और आउटपुट का आपका चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, ये सारे मतलब डायनेमिक रिस्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज द रिस्क टू प्रॉपर्टी। आपका प्रॉपर्टी का रिस्क जो होता है ये आपके खुद के प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाने से भी आपको मतलब अगर बिजनेस में खुद की प्रॉपर्टी होती है, अगर बिजनेस में किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, चाहे वो नेचुरल कॉजेज से हो जाए चाहे वो मैन मेड से हो जाए। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अचानक अगर भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक हो जाती है, फैक्ट्री टूट गई, तो इट इज़ हैपनिंग बाय द नेचुरल कॉजेज। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए आपके कोई कर्मचारी यानी एम्प्लॉय के द्वारा बाय मिस्टेक अगर इलेक्ट्रिसिटी से ही क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है आपका फैक्ट्री, तो इट इज मैन मेड कॉजेस। मतलब आपके दोनों कॉजेस इस प्रॉपर्टी में आ सकता है, नेचुरल कॉजेस एंड मैन मेड कॉजेस बोथ इसमें हो सकता है, ठीक है ना। इंसान की गलती से भी आपको नुकसान हो सकता है और नेचुरल कारण से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी रिस्क, ओके। और लास्ट इज द पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क मीन्स आपके लाइफ का, आपके वर्क का, आपके बिजनेस का, आपके पर्सन पर ये इफेक्ट करता है। पर्सनली आपके साथ घटना घट गई, आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया, आपके खुद को कोई खास डिजीज हो गया, तो जिसमें आप पूरी तरह से इसमें शामिल रहते हैं, इसके लिए बाहर का कोई व्यक्ति इसका जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आज का ये जो था पूरा 12 टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, बिजनेस रिस्क के टाइप्स बता दिया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बिजनेस रिस्क के ऊपर था कि हम अगर बिजनेस चलाते हैं तो उसको किस तरह से हम प्रॉपरली, रिस्क किस किस कारण से हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जाने। ओके, थैंक यू।